हमारी जिंदगी में चुनाव के लिए विकल्प हमेशा मौजूद होते हैं। हम अंधेरे के बारे में शिकायत भी कर सकते हैं या फिर एक मोमबत्ती जलाकर अंधेरे संसार को रोशन भी कर सकते हैं। चुनाव सदैव हमारा होता है, हम समस्या के बारे में शिकायत करें या उसका हल निकालें। इस बात को एक कहानी के माध्यम से बेहतर तरीके से समझते हैं। एक बूढ़ा किसान अपने शिकारी कुत्ते के साथ एक बागीचे में बैठा था। वह शिकारी कुत्ता बैठा बैठा करहा रहा था। एक अजनबी वहां से गुजरा और उसने किसान से पूछा, ये कुत्ता इतना करहा क्यों रहा है और इतना शोर क्यों मचा रहा है? बूढ़े किसान ने कहा, क्योंकि ये कील पर बैठा है जो इसे चुभ रही है। अजनबी ने पूछा, तो फिर ये उठता क्यों नहीं? किसान ने कहा, क्योंकि अभी इसे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा, ये तब तक वहां बैठा रहेगा जब तक कि इसे होने वाला दर्द इसकी सहनशीलता से ज्यादा न बढ़ जाए। इसी तरह हम में से अधिकतर लोग परिस्थितियों से परेशान होते हैं, लगातार उन परिस्थितियों के बारे में शिकायतें भी करते हैं पर कोई एक्शन नहीं लेते, तब तक जब तक कि हमारी सहनशीलता जवाब न दे दे। समस्याओं के लिए विकल्प हमेशा हमारे पास ही होते हैं, जैसे उस शिकारी कुत्ते के पास था कि वो उठकर जा सकता था। चुनाव सदैव हमारा होता है, हम समस्या के बारे में शिकायत करें या उसका हल निकालें। एक घुड़सवार बड़ी तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए चला जा रहा था। सड़क किनारे खड़े एक आदमी ने पूछा, अरे भाई, इतनी तेजी से घोड़े को कहां भगा ले जा रहे हो? इस पर उस आदमी ने कहा, अजी, मैं कहां ले जा रहा हूं इसे? इस घोड़े से ही पूछो ये मुझे कहां ले जा रहा है। दोस्तों, ऐसे ही दिशाहीन होता है हम में से अधिकतर का जीवन। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें जाना कहां है। जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है, वरना पता ही नहीं चलेगा कि हम जा कहां रहे हैं। हमें अपने आप को कुरेदना होगा, आत्म साक्षात्कार करना होगा, खुद को टटोलना होगा और तय करना होगा अपने जीवन का ब्लूप्रिंट, जिसमें होगी हमारी सेहत, हमारा धन, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारे जीवन मूल्य। तभी हमारा जीवन खुशहाल और सफल होगा। एक बुजुर्ग ने अपने पोते से कहा, हमारे अंदर दो भेड़िए हैं। हम जीवन में जो भी चुनते हैं इसका निर्णय होता है इन्हीं दो भेड़ियों के बीच युद्ध के बाद। एक भेड़िया क्रोध, ईर्ष्या, काम, मोह, अहंकार जैसी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा भेड़िया शांति, प्रेम, दया, सुरक्षा, करुणा जैसी भावनाओं का। इस पर पोते ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, तो फिर जीतता कौन सा भेड़िया है? दादाजी ने जवाब दिया, वही भेड़िया जिसे तुम पोषित करते हो, जिसे तुम खुराक देते हो। सही बात है दोस्तों, ये हम ही पर निर्भर करता है कि हम किस भेड़िये को जिताएं, हमारे भीतर के सद्गुणों वाले भेड़िये को या दुर्गुणों वाले भेड़िये को। चुनाव हमारा होता है, पूरी तरह से हमारा, कि हम किस भेड़िये को खुराक देते हैं। सची तो कहा है किसी ने कि जिस तरह सिंचाई करने वाला पानी को अपनी मनचाही जगह पर ले जाता है, जिस तरह धनुर्धारी अपने तीरों को सीधा बनाते हैं और जिस तरह बढ़ई लकड़ी तराशता है, उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को आकार देता है। अपने मन को आकार दो, सही आकार दो, सही भेड़िये को पोषित करके। दोस्तों, आज की तीन अनमोल कहानियां आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। जब इंसान दुनिया के हाथों टूटता है तो उसकी रब से जुड़ने की शुरुआत होती है। जब भी अपनी शख्सियत पर अहंकार होने लगे तो एक फेरा शमशान का लगा लेना। जब भी परमात्मा का धन्यवाद देना चाहो
तो किसी भूखे को खाना खिला देना। जब भी अपनी ताकत पर गुरूर होने लगे तो एक फेरा वृद्धाश्रम का लगा लेना। और जब भी आपका सर श्रद्धा से झुका हो तो अपने माँ बाप के पैर दबा देना। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया सब छोड़ दो, फिर सब तुम्हारे हैं और तुम सब के हो। जीवन में कभी किसी का मजाक न उड़ाओ, कभी किसी को नीचा न दिखाओ, क्योंकि यदि आप सबसे शक्तिशाली भी हैं तो आपसे भी शक्तिशाली कोई है, और वो है समय। समय जब बदलता है तो अच्छे अच्छों को बदल देता है। मैं रोज गलती करता हूं तो छिपाता अपनी बरकत से, मैं मजबूर अपनी आदत से, तो मशहूर अपनी रहमत से। तो वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूं, बस मुझे वैसा कर दे जैसा तू चाहता है। एक नास्तिक ने एक आस्तिक से कहा, तुझे तेरे रब पे बहुत भरोसा है ना, तो जा एक पहाड़ से छलांग लगा, देखते हैं तेरा रब तुझे बचाता है या नहीं। आस्तिक ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया, ये मेरे रब का काम है कि वो मुझे आजमाए, ये मेरा काम नहीं है कि मैं उसे आजमाऊं। शिकायत करना आसान है, लेकिन शुक्राना करना और भी आसान है। एक दिन मन से शुक्राना करें, परमात्मा का, प्रकृति का, लोगों का, तन का, अन्न का, धन का, सामान का, साधनों का, समस्याओं का, हमसे सही व्यवहार न करने वालों का शुक्रिया, हमारी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए। मन में कोई उलझन हो, निर्णय लेना मुश्किल लग रहा हो, तो रोज सुबह शांति में बैठे परमात्मा को अपनी उलझन बताए। जैसे औरों से राय मांगते हैं, वैसे ही परमात्मा से कहें, मुझे बताएं कि मेरे लिए क्या सही है। जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से हो जाए तो ईश्वर को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हारी मर्जी को इतनी अहमियत दी। पर जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से ना हो तो ईश्वर को और धन्यवाद दो, क्योंकि अब वो काम उनकी मर्जी से होगा। जब लोग बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होते हैं तब अक्सर ईश्वर की उपासना करने लग जाते हैं, झूठ बोलना छोड़ देते हैं, लोगों के काम आने लगते हैं, पैसे से प्यार करना छोड़ देते हैं, लोगों के अधिकारों का ख्याल रखने लगते हैं। इसलिए नहीं कि वो मरने से डरते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जान चुके होते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। जीवन में परेशानी चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और बढ़ जाती है, चिंतन करने से काफी कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है, और परमात्मा का शुक्र अदा करने से वो खुशियों में बदल जाती है। इंसान भी कितना नासमझ होता है, प्रार्थना करते वक्त समझता है कि भगवान सुन रहा है, पर निंदा करते वक्त ये बात भूल जाता है। पुण्य करते वक्त समझता है कि भगवान सब देख रहा है, पर पाप करते वक्त सब भूल जाता है। दान करते वक्त समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते वक्त ये भूल जाता है। प्रेम करते वक्त समझता है कि दुनिया ईश्वर ने बनाई है, पर नफरत करते वक्त ये भूल जाता है। फिर भी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान कहता है। धर्म क्या है? प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना, नग्न को वस्त्र देना, अंधे को मार्ग दिखाना, दरिद्र के दुख दूर करना, पीड़ित की पीड़ा हरना, पतित को पावन करना, अशांत को शांत करना, यही तो मानव का सहज धर्म है।
किसी ने पूछा, धार्मिक कौन होता है? बेहद ही खूबसूरत जवाब आया, धार्मिक वो है जो दूसरों को समझता है, दूसरों का सम्मान करता है, जिसके मन में दूसरों को दुख देने का जरा भी भाव ना हो, वही धार्मिक है। चार चीजों को चार चीजों से धोया करो, जुबान को ईश्वर के जिक्र से, आंखों को ईश्वर की याद में बहाए हुए आंसुओं से, पाप को पश्चाताप से, और दिल को ईश्वर के डर से जरूर धोया करो। हे ईश्वर, मुझे इतना नीचे न गिराना कि मैं पुकारूं और तू सुन न पाए, और मुझे उतना ऊपर भी न उठाना कि तू पुकारे और मैं सुन न पाऊं। हे परमात्मा, अगर आपका कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा गुरूर तोड़ देना, अगर आपका कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना, अगर आपका कुछ बुझाने का मन करे तो मेरी घृणा बुझा देना, अगर आपका कुछ मारने का मन करे तो मेरी इच्छाएं मार देना, अगर आपका प्यार करने का मन करे तो मेरी ओर देख लेना, मैं शब्द तुम अर्थ, तुम बिन में व्यर्थ। भगवान कहते हैं कि हर बार संभाल लूंगा, गिरो तुम चाहे जितनी बार, बस गुजारिश एक ही है, कभी मेरी नजरों से मत गिरना। वो दे दे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं, मेरे रब के फैसले कमाल है, उन फैसलों पे कोई सवाल नहीं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।